उसमें हम थोड़ी सी फिश जो है, अक्सर हम घर में डरते हैं कि फिश पकाएं कैसे, नीचे चिपक जाती है, जल जाती है, तो वो सब जो डर है उसको दूर करने के लिए कुछ अच्छा सा काम किया जाए। फिश को हम अपने हिसाब से छोटे छोटे जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसको काट के, और इसका फायदा ये है कि जब तक ये यूनिट हीट हो रहा है हल्का सा इसको हम हीट करने के लिए रख सकते हैं जी। जैसे मैंने रखा अभी प्री हीट पे, मैंने इसको डाल दिया, तब तक हम हमारी जो फिश है उसको मैरिनेट कर ली, तो ये भी एक तरह से कन्वीनियंट कुकिंग। जैसा मैरिनेशन आपको अच्छा लगे वैसे मैरिनेशन में इसको डिप करेंगे, इसके बाद कुछ करना नहीं है। अब आपने देखा सबसे मेन एक चीज आपने नोट करी कि इसमें मैंने कहीं भी ऑयल नहीं डाला है। इसका जो कोटिंग है वो इस तरह की खूबसूरत एक नॉनस्टिक कोटिंग है कि उसमें आपको बहुत कम तेल लगता है कुकिंग में, और फिश हुआ या ऐसे डेलिकेट चीजें जो है उसको हम एक बहुत अच्छे से कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर पका सकते हैं, जिससे उनकी कुकिंग तो परफेक्ट होगी, उससे स्वाद भी अच्छा होगा, फ्लेवर भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं या किसी को खिलाने के लिए आगे देते हैं तो ऊपर का ग्लेज एकदम परफेक्ट। मैं देख रही हूँ यहाँ साइड साइड पे जैसे जैसे ये प्लेट गर्म हो रही है और उसके साइड में वो पकना शुरू हो गया है, बैटर पकना शुरू हो गया। अब जब इस तरह का इंडिकेशन हो थोड़ा सा इसको हाई कर सकते हैं, फिश धीरे धीरे इसमें पक रही है। यस, अब फिश आप देख रहे हैं हल्की हल्की पकना शुरू हो गई है। यस, तो इसको हम टर्न कर देंगे और ये बहुत इजीली हमने इसको उठा लिया, कहीं से बेस में चिपकने की कोई मैरिनेशन जो है वो परफेक्ट है, फिश भी अच्छे से कुक हो गई है। मुझे याद है इस पैन में हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था और बिना ऑयल के ये फिश हमने इतने अच्छे तरीके से ग्रिल की है। इसकी जो लाइन है गोल्डन लाइन यहाँ पे जो नजर आ रही है वो कुक हो चुकी है ये दूसरी साइड से भी, और इसके अंदर से उसका अरोमा है बिल्कुल ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और कलर मैं इसका देख पा रही हूँ बहुत सुंदर है, जैसा हमने मैरिनेट किया था इसको, हमने बिल्कुल सिंपल इसको रखा और सिंपल रखने का ये फायदा हुआ कि बहुत जल्दी कुक हो गई। राइट शेफ, अगर हमें ये देखना हो कि क्या ये पूरी तरीके से पक चुका है तो उसको मैं पक चुकी है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है, अगर यहाँ से टूट रही है और अलग हो रही है मतलब ये पूरी तरह से कुक है बिल्कुल। एंड यू वोंट बिलीव कि हमने ये जो फिश ग्रिल की है इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, कुकिंग प्रोसेस इजी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो डर है कि फिश चिपकेगी जलेगी पूरी तरह पक नहीं पाएगी शायद, और फिश जूसी नहीं रहेगी, तो पलटने के बाद अगर हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे तो अंदर से जूसी भी रहेगी।